यूं ही निकल आया हूं घर से, जुनून उतरता ही नहीं है सर से। जिद है कुछ कर गुजर जाने की, दरिया से निकल कर समुद्र में उतर जाने की। हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्षित चौधरी। आज अपन सीटी कंप्यूटर की क्लास लेंगे, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जो कि सीटी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस बच्चे ने ये क्लास देख ली होगी, उसके लिए इसमें से लगभग क्वेश्चन पढ़ने के 100% चांसेस है, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से लिए हैं, और इसके अंदर डायग्रामेटिकली भी मैंने ऐड किए हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा, और कुछ फुल फॉर्म्स भी ऐड की है। तो चलते हैं डायरेक्ट अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन ए सीडी रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी यानी सहायक मेमोरी, ऑप्शन डी कैश मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी जो है, आप जानते हैं कि कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद में आता है रजिस्टर। रजिस्टर देखिए, मैन मेमोरी, उसके बाद कैश मेमोरी और सीपीयू। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैश मेमोरी जो है कहाँ स्थित होती है, तो आपको बताना है कि मैन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। ये शायद पिछले सीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। कैश मेमोरी जो है सीपीयू एवं रैम के मध्य अस्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरी में बार बार प्रयोग में आने वाला डाटा एवं निर्देश स्टोर रहते हैं। ये डाटा एवं निर्देश छोटी अवधि के लिए रहते हैं, यानी कि ये अस्थायी है। कैश मेमोरी को तात्क्षणिक मेमोरी या सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। कैश मेमोरी तीव्र गति वाली अस्थायी मेमोरी, ये आपको याद रखना है कि ये अस्थायी मेमोरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीडी हो गया, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क आपको पता ही है। 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट किसके तुल्य हैं? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपन जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है इसके अंदर। 1 किलोबाइट में आपको पता है कि 1024 बाइट होते हैं, बट ऑप्शन के अंदर जो है 1024 बाइट नहीं दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ज्यादातर क्या होता है कि 1024 देखा और अपना आंसर लगा लिया, जो कि वो अपना गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम की स्पीड को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए बीपीएस, ऑप्शन बी जीपीएस, सीपीएस या इनमें से कोई नहीं। तो मॉडेम की स्पीड को आपको पता है कि ये बीपीएस में नापा जाता है। बीपीएस मतलब बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। नेटवर्क डिवाइस मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेटर है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपको पूछा जाता है कि मॉडेम की फुल फॉर्म जो है क्यों क्या है। ये टेलीफोन लाइन के द्वारा सिग्नलों को भेजता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, यानी कि डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग बदल लिया, एनालॉग को डिजिटल में। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। डी मॉड्यूलेशन यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। डीएनएस का क्या तात्पर्य? डीएनएस क्या है? डोमेन नंबर सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेम सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। कॉलेज बुक सेंटर डॉट ओ आर जी एक वेबसाइट है जो एक डोमेन नाम है, यानी कि आपको एग्जाम्पल दिया गया, इस टाइप का डोमेन नेम होता है। यूआरएल, यूआरएल क्या होता है? मल्टीमीडिया होता है, ऑडियो वीडियो ए वी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मल्टीमीडिया आपको पता है ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, डिस्प्ले हो गया। इनपुट डिवाइस में आ जाएगा आपका माउस, कीबोर्ड और ये हो गया अपना कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की पीढ़ियां, कितनी पीढ़ियां हैं टोटल? 5 पीढ़ियां है, जिसमें प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक है। इसके अंदर प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। ये पिछली सीटी में पूछा गया क्वेश्चन था, टोटल उसमें पूछा गया था कि सेकेंड पीढ़ी जो है उसका काल बताओ। तो सेकेंड पीढ़ी का काल, मैंने आपको 5 पीढ़ियों का काल लिया है, तो ये 1942 से 55 तक है। स्विचिंग डिवाइस, इसमें वैक्यूम ट्यूब लिया गया है। दूसरी पीढ़ी के अंदर 1955 से 64 में ये पूछा गया था कि दूसरी पीढ़ी का काल क्या है, तो ये इसमें स्विचिंग डिवाइस जो है ट्रांजिस्टर प्रयोग में लिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी पीढ़ी में किस डिवाइस का प्रयोग किया गया था, वो ट्रांजिस्टर थी।
तीसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड है 64 से 75। इसके अंदर आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज में लिया गया था, तो ये भी आप याद रखिए कि तीसरी पीढ़ी में आईसी। चौथी पीढ़ी की समय अवधि है 75 से 90। इसके अंदर वीएलएसआई यूज किया गया था, जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी की समय अवधि 1990 से अब तक की जो भी है, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये एआई पे आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ फुल फॉर्म है जो मैंने ली है आपके लिए। एबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एंटन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, एनियाक की इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पूछा जाता है कि एनियाक में ई का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ईडीवीएसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ईडीएसएससी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इंपॉर्टेंट है, आईबीएम यूनिवेक हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है एनियाक। सीडीसी कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, सीआरसी क्रे रिसर्च कंपनी, वीएलएसआई क्या, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आईसी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। एसएसआई क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सीडीए क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पीडीए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्टर पर सेकेंड, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म पूछ सकता है। बार्क बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी पूछ सकता है क्योंकि हाल ही में ये एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीआई कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर पर आधारित, किस पे आधारित था ये? कौन सा विश्वविद्यालय? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्थित था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जॉन मैकार्थी। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर है। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका आविष्कार जेपी एकर्ट तथा जॉन मचुली ने किया, तो कौन सा था प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विश्व का? तो एनियाक। एनियाक के अपने पीछे फुल फॉर्म भी पड़ी है, तो आप इसको याद किए कर दीजिएगा। एनियाक कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ था? 1946। एनियाक कंप्यूटर निर्माण में किस विश्वविद्यालय? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया, तो वो कौन सा था? यूनिवेक। इसकी भी फुल फॉर्म अपन पीछे पढ़ चुके हैं। यूनिवेक कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है आपके सीटी एग्जाम में, 4-5 जो भी क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण उपलब्ध था, ADSSC। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? विज्ञान है नहीं, धनुष भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? परम। निम्न से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है? तो परम सिद्धि AI। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था, प्रथम पीढ़ी में क्या होता था? अपन पीछे देख के आए कि वैक्यूम ट्यूब। कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? मशीनी, असेंबली, हाई लेवल या उपयोग सभी? तो मशीनी लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझ पाता है, इंपॉर्टेंट है, बटवार प्री में आ रखा है 2015 में। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था, कहाँ पे हुआ? पीछे पढ़ चुके हैं, पुणे के अंदर RSRT में पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई परास कितनी होती है? लगभग 64 बिट, तो ये भी RSRTs में पूछा गया क्वेश्चन। यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य क्या है? फुल फॉर्म पूछिए आपको, अकाउंटेंट री एग्जाम 2016 में आया था क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूएसबी और URL। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग कौन सा है? तो CPU का भाग कौन सा? प्रीटन कीबोर्ड माउस ऑटोमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सिंपली दिख रहा है कि ऑटोमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ALU। ये गणितीय गणनाएं करता है, ऑटोमेटिक और तार्किक गणनाएं। कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? ऑटोमेटिक, प्लग एंड प्ले, इंस्टॉल या सीरियल?
ये भी क्वेश्चन जो है कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया, प्लग एंड प्ले। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है किसमें होती है भाई, यूएसबी पोर्ट में। कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए आप, पीडीएफ का लघुतम रूप क्या है, पीडीएफ की फुल फॉर्म देखनी है आपको, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है माउस, माउस में तीन बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट और स्क्रॉल बटन। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए अपन जो है लेफ्ट बटन का यूज करते हैं, राइट बटन जो है उसकी जो भी डिटेल्स अपन चेक करने के लिए, और स्क्रॉल बटन कर्सर को ऊपर नीचे ले जाने के। ठीक है, प्रिंटर आ गए। प्रिंटर कौन कौन से हैं, कितने टाइप के, तो इम्पैक्ट हो गया और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आ जाएगा सीरियल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर में हो जाएगा डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक। सीरियल प्रिंटर में डेजी व्हील और डॉट प्रिंटर, सीरियल में डीडी याद रख लीजिए। लिंक प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में कौन कौन से हो जाएंगे, चैन, ड्रम और बैंड, तीनों लाइन में है, चैन, ड्रम और बैंड याद रखिए। नॉन इम्पैक्ट में इंक जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है उसमें कौन कौन, इंक और थर्मल और लेजर। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कुंजी पटल, प्रिंटर, माउस, स्लाइड्स। स्लाइड ये भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड भी इनपुट है, तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है, स्कैनर, कीबोर्ड, पंच कार्ड या वीडी। सबसे ज्यादा यूज इसमें कीबोर्ड ही हो जाता है, यानी कि इनपुट डिवाइस का पूछ रहा है निवेश युक्ति। एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो अपने पीछे पढ़ा है कि मॉडेम जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, तो इसका आंसर जो है मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम की फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा। एमआईसीआर का यूज कहाँ होता है, बैंकिंग सेक्टर में। एमआईसीआर का यूज कहाँ होगा, बैंकिंग सेक्टर में, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जाती है, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि आप टाइप कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो वो आप प्रिंट तो निकाल नहीं रहे, तो आप क्या कर रहे हो उसमें, इनपुट कर रहे हो। एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो जाएगी, एक तो कीबोर्ड हो जाएगा, जॉयस्टिक का पूछा जाता है, जॉयस्टिक हो जाएगी, ठीक है, माउस हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं, तो ये बूटिंग जो है इसका राइट आंसर है, एलडीसी 2018 इंपॉर्टेंट। डॉट के विन्यास द्वारा मॉनिटर द्वारा निर्मित छवि भी कहलाती है, किसके द्वारा, छोटे छोटे डॉट के द्वारा जो है पिक्सल बनते हैं, पिक्सल से अपने को पिक्चर जो है क्लियर दिखाई देती है, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी पिक्चर ज्यादा क्लियर दिखाई देती है, तो ये 2020 के अंदर जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, सॉफ्ट कॉपी कौन सा नहीं है, मॉनिटर, वीडियो या प्लॉटर या वीडियो सिस्टम। तो प्लॉटर जो है सॉफ्ट कॉपी नहीं है, ये प्लॉटर से जो बड़े बड़े बैनर निकालते हैं वो प्लॉटर हो जाएगा। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करते हैं, प्लॉटर जो है इसमें रेखाएं खींचने के लिए पेन का यूज करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, इम्पैक्ट में अपन ने अभी टाइप पढ़े हैं कौन कौन से नहीं होते हैं, इम्पैक्ट के अंदर जो है लेजर प्रिंटर नहीं होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, डेजी व्हील होता है, जॉयस्टिक, ये आ गया अपने इनपुट डिवाइस, इससे क्या यूज करते हैं, वीडियो गेम खेलने में, रोबोट कंट्रोलिंग में, सिमुलेटर प्रैक्शन में, तो ये चार ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है, यानी कि कोई पिक्चर है उसमें टेक्स्ट लिखे गए हैं तो डायरेक्टली जो है पिक्चर से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ओसीआर का यूज करते हैं। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर कहा जाता है, रिफ्रेश बफर जो है पिक्स मैप को कहा जाता है। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड करेक्टर में परिवर्तित करता है, तो वो डिजिटाइजर है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है, तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बिना बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, ये 2020 में लाइब्रेरियन में पूछा गया।
कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है? ये जब हटा देते हैं तो रिसाइकल बिन में संग्रहित हो जाती है। इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? बिगनर्स ऑल सिमोबॉलिक इंट्रैक्शन कोड। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक 2019 में पूछा गया है। विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल के निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग सिस्टम संदेशों की समीक्षा करने के लिए होता है? विंडोज 7 के अंदर जो है कंप्यूटर पैनल के उपयोग में सिस्टम संदेश किसमें होंगे? तो एक्शन सेंटर में। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ऑथेंटिकेशन कहते हैं। कोपा 2019 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है? तो नोटपैड जो इसका नहीं होगा। विंडो मीडिया सेंटर है, सीपीयू मीटर है, कैलेंडर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? विनजिप जो है एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन। विंडोज में स्लिप एक पावर सेविंग की अवस्था होती है जिसके अंदर कंप्यूटर ऑफ नहीं होता, स्क्रीन ओनली ऑफ हो जाती है। वर्ड रैप काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएससी और अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है अपने सीईटी के अंदर एग्जाम में। खुले हुए विंडोज को मिनिमाइज करने हेतु किस संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज एम। मिनिमाइज करना है तो विंडोज प्लस एम दबा दो, मिनिमाइज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता होती है? गीगाबाइट में होती है क्या, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, टेराबाइट? किलोबाइट सबसे 1024 बाइट होते हैं इसमें, ये भी नहीं होगा। मेगाबाइट एमबी, टेराबाइट गीगाबाइट। गीगाबाइट जो है टेराबाइट से छोटा है। इसका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है? परिवर्तनशील कौन सी है? रैम, रोम, एड रोम, ये दोनों तो क्या है, स्थायी मेमोरीज है। रैम जो है स्थायी मेमोरी है। 2019 लाइब्रेरियन। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं किसमें विभाजित होता है? तो ये हार्ड डिस्क जो है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है, याद रखिए। 2019 में पूछा गया कनिष्ठ में। डायनामिक रैम को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज कंप्यूटर जो है हैंगिंग करने लग जाता है। आरपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। तो ये बिल्कुल कथन सही है। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक है, रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है, तो ये भी इसका करेक्ट है। रैम का अर्थ रैडम एक्सेस मेमोरी होता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री लुप्त नहीं होती है, रैम की सामग्री 100% लुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गलत है डी ऑप्शन। 2020 राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में जमाना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो बढ़ते क्रम में जमाना है, तो रजिस्टर के बाद कैसे, कैसे के बाद रैम, रैम के बाद में हार्ड डिस्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? राजस्थान पुलिस 1024 बाइट्स के बराबर। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? तो हार्ड डिस्क जो है इसमें सबसे बड़ा होगा, क्योंकि कैसे सबसे छोटा, फिर रैम रजिस्टर ये छोटे ही हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी मेहनत खर्च नहीं जाएगी, आपको 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से मिल ही जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो है जिसमें होम है, इंसर्ट पेज लेआउट, रेफरेंसिंग, मेलिंग, रिव्यू वगैरह। तो हेल्प ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, फाइल टैब, स्टेटस बार नीचे है, जूम इन आउट वगैरह वगैरह। और इसमें रूलर कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन था वीडियो प्री एग्जाम के अंदर कि रूलर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने होते हैं, तो एक साइड वाला और एक ऊपर वाला। कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कॉपीराइट के लिए Alt+ Ctrl+C।
एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर कुंजी का क्या कार्य है? ये सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट मतलब होता है कि कंट्रोल दबा दो फिर प्लस फिर इजिकस्ट हो जाएगा। और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद प्लस प्लस, डबल बार प्लस आ रहा है मतलब वो सुपर स्क्रिप्ट है, और एक बार प्लस आ रहा है एक बार इजिकस्ट टू आ रहा तो वो सुपर सॉरी सब स्क्रिप्ट होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट आकार टूल में फॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज्यादा फॉन्ट आकार उपलब्ध होता है। तो सबसे ज्यादा जो है फॉर्मेटिंग टूल बार में 8 से 72 तक। कनिष्ठ अनुदेशक में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूनतम 8 और हाईएस्ट कितना? 72। एमएस वर्ड के किस व्यू में हेडर और फुटर किस में दिखते हैं भाई? तो प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर हेडर और फुटर दिखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाता है? वर्ड की कौन सी ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा व्यक्ति एक व्यक्ति जो अलग अलग लोगों को मेल भेज सकता है तो वो मेल मर्च है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आरएस सुमी ने पूछा है। निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है, कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग? शब्द, पैराग्राफ या करेक्टर? तो सेल्स जो है इससे संबंधित। एमएस वर्ड में मेल मर्च के लिए मैं लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नाम और पतों की सूची होती है, तो ये डाटा सोर्स में जो है लेबल और लिफाफे वाले। ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया जाता है? ऑटो करेक्ट जो है नंबर संबंधी गलती दूर करना, नहीं व्याकरणिक रूप से गलत, नहीं गलत वर्तन ही, अगर आपने गलत वर्तन लिखी है तो ऑटो करेक्ट जो है उसमें सही कर देता है। एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की तो कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, और पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, याद रखिएगा। एमएस एक्सेल विंडो है ये, इसके अंदर रो नंबर, नेम बॉक्स, फाइल बटन दे रखे हैं, क्विक एक्सेस बार, कॉलम लेटर, टैब लिस्ट, टाइटल बार वगैरह वगैरह। तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जूम कंट्रोल रिबन कौन सा कहाँ पे आता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेर फेर करने के लिए डाटा का और फॉर्मूलों की पंक्ति और स्तंभ व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ये स्प्रेडशीट हो जाएगी। 2019 कनिष्ठ अनुदेशक, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है? कौन सा नहीं है अभी? एवरेज वाला जो है ऑप्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है, सम है, काउंट है। एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? तो वोलसिक जो है व्हाट इफ एनालिसिस के लिए बेहतर मदद है। एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। एक्सेल वर्ड शीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है जैसे कि A1 हो जाएगा प्रथम में। तो एक्सेल में जहां रो व कॉलम मिलते हैं उसे आप क्या कहते हैं? तो एक सेल कहते हैं। एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना करता है? तो फंक्शन हो जाएगा। एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद करता है? तो वोलसिक। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, यानी कि 2 बार रिपीटेड हो गया है, तो आगे भी चांसेस है। व्हाट इफ एनालिसिस वोलसिक, एनालिसिस ले से याद लिख लीजिएगा वोलसिक। एक सेल में नंबर बाय डिफॉल्ट अलाइन होता है, कोई नंबर बाय अलाइन जो है डिफॉल्ट होता है राइट। वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड के को लघु रूप में दिखाता है क्या कहलाता है भाई? स्लाइड सॉर्टर व्यू। इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज, सिमुलेशन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं भाई? ग्राफिक्स आते हैं, RSB में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी पूछ लेगा सीटिंग के अंदर की ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज और सिमुलेशन किस में आते हैं? तो ग्राफिक्स में। प्रस्तुतकर्ता पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर, तो ट्रांजिशन कमांड को छोड़कर के स्पीकर नॉड कमांड, नेविगेशन कमांड, मीटिंग रिमाइंडर कमांड। निम्न में से कौन सा आपकी प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध कराता है? तो ऑडियंस हैंडआउट। वेक्टर और 2 प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं जिसमें रोस्टर होता है। ये फुल फॉर्म दे रखी है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाईफाई, वायरलेस, फिडेलिटी, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस,
मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल मॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ओएसआई ओपन सिस्टम एंटी कनेक्शन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो आईएसओ। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है एक तो आपका यूरल वाला आप कीजिए, डब्ल्यू मॉडेम हो गया, जीपीआरएस हो गया, पैन हो गया, वैन हो गया, लैन, ये तीनों आप याद जरूर कीजिए, बीसीसी याद कीजिए, ईमेल का भी याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि ये पूछे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो रिपीटेड होने के चांसेज है। तो इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वाईफाई भी पूछा जा सकता है, वायरलेस फिडेलिटी, ओके। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में डब्ल्यू से क्या समझते हैं, तो ये देखिए आप 2020 में पूछा गया है, हालांकि इजी क्वेश्चन है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बट वर्ल्ड वाइड में ईमेल, यूजनेट, गोफर, डब्ल्यू ए आई एस सेवाएं क्या कहलाती है, इंटरनेट सेवाएं। ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होता है भाई, तो फाइन ग्लास स्ट्रेट्स। निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप क्या है, तो कुछ भी ईमेल हो जाएगा, उसके बाद @gmail.com। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आप कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 के अंदर। एमएससी फ्रेम की कौन सी फील्ड रिसीवर को अलर्ट करती है और इसे सिंक्रोनाइज करने के लिए सक्षम बनाती है, तो प्रीएम्बल। कौन सा प्रोटोकॉल आभासी टर्मिनल करेक्शन के द्वारा एक डी दिशात्मक इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेशन संचार प्रदान करता है, तो ये टेलनेट हो जाएगा। आईआरसीसी क्या दात्री अभी, इंटरनेट रिले चैट। इनमें से कौन सा सत्य है, तो आप वेबसाइट में एचटीएमएल से बना सकते हैं, आप देख लीजिएगा ऑप्शन। भीम ऐप की आधिकारिक वेबसाइट है www.bhimvi.org, ऑप्शन बी करेक्ट। ईमेल का दात्री क्या है, मैंने बोला था पीछे इलेक्ट्रॉनिक मेल, और 2018 में पूछा गया कि प्रोटोकॉल जो इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईडी पता निर्दिष्ट करता है, आईपी हो जाएगा। कंप्यूटर में एफटीपी का तात्पर्य क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 2018 में पूछा गया, देख लीजिए आप। एफटीपी की फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली। ओपन सिस्टम इंटरेक्शन मॉडल की, तो ये फिजिकल लेयर है। इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए बटन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें रीलोड और रिफ्रेश। ऑनलाइन स्रोता से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए प्रक्रिया जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इंटरनेट का फाइल प्रारूप करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा, तो एफटीपी, पीछे पड़ा अपना। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो न्यू इनकॉग्निटो विंडो। निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, तो टिंडर जो है इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, इसमें ऑप्शन आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है, तो इनबॉक्स। हाइपरलिंक का उपयोग एक साइट से दूसरी साइट या एक नेटवर्क से नेटवर्क लोकेशन में जाने के लिए किया जाता है। पैन का पूरा नाम क्या भाई, पर्सनल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सी टेबल नेटवर्क के सभी नेटवर्क एड्रेस व संभव रास्ते की सूचना रखते हैं, तो राउटिंग टेबल। आईपी पते में डोमेन नाम का अनुवाद डीएनएस हो जाएगा। बाइनरी प्रणाली में कौन कौन से 2 अंक होते हैं, तो 0 और 1। रेलवे में पूछा गया है, ESCII का पूरा नाम क्या है अभी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। कौन सी G2C सेवा को उदाहरण नहीं है, ईबे कॉम। UIDAI का संबंध किससे, आपको पता है, आधार कार्ड। ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं, G2C। किस किस में सूचनाओं के लिए, सरकार और नागरिक, तो सरकार मतलब गवर्नमेंट हो जाएगी, G2 और C। ई गवर्नेंस का द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती है, इनमें सम्मिलित कौन सा है, G2P हो जाएगा, G2G सही है, G2C हो जाएगा, ये अपने अभी पढ़ा G2B। CSC परियोजना का प्रारंभ कब हुआ भाई, 2009। आधार भारतीय नागरिक विशिष्ट पहचान देता है, तो इसमें 12 अंक होते हैं, बिल्कुल सही है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निबल किसके तुल्य है भाई, 4, 1 निबल = 4 बिट। भंडारण की उत्तम क्षमता यूटा बाइट। तो दोस्तों अपना वीडियो कंप्लीट हो गया है, ये CET एग्जाम के लिए इनफ है, आप एक ही वीडियो को बार बार देखिएगा, फालतू के 8-8, 9-9 घंटे की मेगा क्लास लेने से कोई मतलब नहीं है। आप 20-25 मिनट की कोई भी क्लास ले लीजिएगा, उसमें आपका 1-2 क्वेश्चन तो 100% पढ़ ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ना वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।